अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जो है वो मेरी तरफ से रमज़ान करीम जो है बहुत बहुत मुबारक। अभी काफ़ी दिन थे जो है करो, बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग को ही नहीं बनाया, बिजी था बहुत ज़्यादा। आज यार लास्ट एग्जाम था तो आज जो है फ्री हुए बिल्कुल और जा चुकी है। और रमज़ान में एग्जाम था, आपको पता है रमज़ान में एग्जाम कैसा होता है। आज जो है ना, आज मौसम देख लें, आज जो है बड़ा मज़े का मौसम है। वो मज़े का तो नहीं, गर्मी है वैसे, लेकिन ये है कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी यार। अभी थोड़े बादल आ गए हैं तो ये है कि जो धूप वगैरह है वो ख़त्म होगी। अच्छा यार, मुझे किसी ने ये कहा था कि जो है आप ब्लॉग बनाएं सीएस डिपार्टमेंट में। मेरे जो है वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का ऑलरेडी बनाया था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी हम गए थे, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं किया था। अच्छा यार, सबसे पहले जो है एक बात कि मैं जो है अपनी सारी ऑडियंस को यार मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। यार थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। के जो है ना लास्ट मैंने मतलब 20-30 डेज में कोई वीडियो, कोई शॉर्ट अपलोड नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो जो है चैनल की इंगेजमेंट जो है वो कंसिडरेबल रही। 70% व्यूवर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार प्लीज़ थोड़ी सी सपोर्ट यार। 200 पे कब तक अटके रहेंगे यार, सिर्फ 10 मोर सब्सक्राइबर्स प्लीज़ यार। इतने दोस्त यार तो होंगे, बता दूसरों को कहते हैं शेयर करें तो कर देना यार। अभी पहले जाके रॉकी भाई को देखते हैं, रॉकी भाई क्या कर रहे हैं। वो कह रहा था पता नहीं मैं पिशावर जा रहा हूँ, पता नहीं गया है कि नहीं। ओए तू अभी तक गया नहीं, ये तू अकेला क्या कर रहे है रूम में बैठा? ये रमजान में भी तूने ये काम छोड़ा नहीं? गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है सच? अभी फोन तू ले, ये कुछ तो। अच्छा यार ये दराज वालों तुम लोगों ने क्या मतलब क्या किया हुआ है यार? मैंने जो है दराज से वो RGB लाइट्स ऑर्डर की हुई है, ठीक है, वो ला के उधर उन्होंने रख ली अपने, वो क्या होता है वो जो वेयर हाउस होता है उधर ला के रखी हुई है, और वो ला के दे नहीं रहे। मुझे कॉल आई है कि हम लोग जो है उधर डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ आके जो है ले जाए, उधर जाना पड़ेगा कॉलेज चौक में, इतना दूर है। अच्छा आज मैं जा रहा हूँ घर, देखें मेरी पैकिंग वगैरह फिट है, अभी ये संभालनी है, थोड़ा घर बना हुआ है। और यार आप लोग मुझे अपने रमज़ान के बारे में बताएं कि कैसा गुजरा, और यार मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को और इतना जो है हम लोगों ने थोड़ा बहुत टूटी फूटी इबादत की है उसको कबूल करें। आपकी तरावियों को, जो लोग इतकाफ़ में बैठे हैं उन्हें, सब सब चीज़ों को कबूल करें, और एडवांस में ईद मुबारक भी है। अच्छा ये हसनैन भाई को जो है प्रमोशन हुई है, इन्हें अभी नया नाम दे दिया गया है क्यूट कोरियन का। अबे साल जो कि अभी तक जो है व्लॉग में डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन आज डिक्लेयर हो गया। अच्छा आपको क्या हो गया आदिल भाई? नैन भाई क्या सीन है? ये आप सिर्फ आज ये चीज़ रिवील करें, आप ये बात ये राज रिवील करें कि आपको क्यूट कोरियन क्यों कहा गया है। अपना नाम है हसनैन, तो आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, लेकिन क्यूट कोरियन का क्या सीन? क्या स्टोरी? मोहम्मद मतलब आप खुश नहीं है इस नाम से? अपने नाम से खुश होता हूँ भाई। अपने नाम से खुश है तो आप लोग क्यों ऐसे जो है क्यूट कोरियन हो क्या? तो क्या तो चले, अब जो है सीएस डिपार्टमेंट का नाम ले ही लिए, तो देखते हैं अगर खुला हो तो। अभी आहा बहुत चंगा नाम है, पता नहीं यार अभी एग्जाम है, आजकल क्या सीन है कुछ पता नहीं। इस जगह तो आपने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है यार, ये हमारा जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट, जिधर आज कोई नहीं है रमज़ान की वजह से भी, और छुट्टियाँ हो गई इस वजह से। पहले क्या सीन था ना कि हमारी क्लासेस थी कल, अब पिछले वीक को हमारे टोटल 5 पेपर थे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे को, और एक जो है फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ करके, और एक पेपर साइकोलॉजी का वो मंडे को रख ली। अब मंडे को रखना भी था यार, कोई मुश्किल पेपर आता कोई जिसकी हम तैयारी कर सकते 2 दिन, और मंडे को कौन सा पेपर रखा? साइकोलॉजी का, जो लोगों की सारी थ्योरी है, और वो भी इस बारे में हमें बुलाया कि यार अगले फिर वीक, इस वीक मतलब क्लासेज होंगे, ये वाला वीक ऑफ हो गया, क्योंकि हम सब ने कहा कि कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, बस ऑफ। अब अगर यार ये एक पेपर पहले हो गया होता तो हम लोग ये आगे 3 दिन तो हमारे ज़ाया ना होता, ठीक है, ये फ्राइडे सैटरडे संडे फजूल में जो है उधर जाके भी टेंशन थी, पेपर है पेपर। रॉकी भाई आप इस फैसले के बारे में क्या आपके ख्यालात जाहिर करना चाहेंगे? यार अभी रमज़ान है तो मेरे जहन में तो और कोई ख्यालात नहीं आ रहे, बस रमज़ान में आपके जहन में ख्यालात नहीं आते, या जो आप ख्यालात आ रहे हैं वो आप अर्ज नहीं कर सकते, वो खूबसूरत अल्फाज आप अर्ज नहीं कर सकते जी। सीन ऐसा है ना कि पिछले व्लॉग में हम वो ऊपर खड़े हुए थे, उधर से मैंने वो मैकेनिकल वालों को, मैं सिविल वालों को जो है मैं ताने दे रहा था कि ये फवारा है तुम लोगों का, चल नहीं रहा, ठीक है। तो अभी ये यूनी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस होगी, और गैस ये जो ये अभी हम इधर से चल रहे हैं तो ये लॉन है, सिविल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट वगैरह है ये,
और इधर हम लोग ऑलरेडी घूमे फिरे हुए हैं, यू नो दैट। और यार यहाँ हम अक्सर आके बैठते होते हैं। अच्छा अब यार बड़ा ये बड़ा अच्छा काम किया, सही है। और पहले इधर काफी लोग आके बैठा करते थे, जब से ये लगा है तब से ये गार्डन खाली होता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ये मस्जिद, ये रोड, यार अब ये रोड सबसे मजे का। ये पता नहीं किस तरह के फूल लगे हैं यार, बंदा रोज है। मैं तो मतलब इसके पत्ते का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, वो बड़ा बड़ा, तो मैं समझ रहा था तंबाकू लगा दिए। मैं रॉकी को कह रहा हूँ कि यार इधर तंबाकू क्यों लगा दिए। रॉकी कहते हैं कि नहीं, ये जो है क्या नाम है इसका, ग्लेडियोलस। इधर सेक्रेटरी साहब हमारे एंट्री मारते हुए आपको नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और यार आप ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अच्छा आप एक सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, आपको सेक्रेटरी क्यों कहा जाता है? व्हाट, ये किस चीज के सेक्रेटरी? ये एक दो तीन लोग बहुत दूर से आ रहे थे, बस उन्होंने पता नहीं बोल दिया था, उसके बाद से सब बोलते हैं। वो दो तीन लोग हम ही। और ये रहा हमारा वीसी लॉन, ठीक है, जहाँ जो है हम अक्सर आगे बैठते हैं। और यार ये मेरे ख्याल से एक ये होगी जगह, एक वो जो सिविल के लॉन्स हैं, वो ये मेरे ख्याल से सबसे ब्यूटीफुल जगह है हमारे यूनिवर्सिटी की। जिधर आगे हम लोग कम से कम जो है ना वो बैठ सकते हैं सुकून से। यहाँ गेट सेंटर हो गए ना, आपको सबसे पहले जो है वो सीएस डिपार्टमेंट मिलता है। एक बात जो है ना मैं पहले करना चाहूँगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर कुछ खास अच्छा नहीं है। जो सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे हैं यार, लेकिन वो अभी अभी हैं, सही। ये पुराने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आपको मेच्योर लगेंगे। जिस तरह जब इंसान भी मेच्योर होता है ना, तो दाढ़ी छड़ी वाइट हो जाती है, समझा करें। तो बाकी आज बंद है, मैं फिर कभी आऊँगा और लैब्स वगैरह भी दिखा लूँगा। बाकी ये डिपार्टमेंट है यार छोटा सा है, और लेकिन इनकी कुछ क्लासेस मेरे ख्याल से हमारे डिपार्टमेंट में भी होती है ना। मैं इस पर अलग वीडियोस वीडियो मैं प्ले लिस्ट पूरी कोशिश करूँगा बनाऊँ, ठीक है, जिसमें मैं सारे डिपार्टमेंट्स का बताऊँगा। क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार AI डिपार्टमेंट अलग है, और बहुत से र्यूमर्स मैंने सुने। र्यूमर्स क्या हैं कि AI डिपार्टमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज है, और डेटा साइंस डिपार्टमेंट जो है वो फलाना के साथ। ऐसा कोई सीन नहीं है यार, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलग है, उसे आपको CS की डिग्री मिलेगी कंप्यूटर साइंस में आओगे। अच्छा सही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, PC से रजिस्टर्ड। AI और डेटा साइंस में आपको उनकी डिग्रीज मिलेंगी। ये नहीं होगा कि आप डेटा साइंस में आगे सॉफ्टवेयर की डिग्री लेके जा रहे हो, ऐसा होता भी नहीं है। सुन यार, अगर आप लोग जो है व्लॉग देखना चाहते हो मानसेरा का, मानसेरा के व्लॉग्स इंशाल्लाह, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ना बताएं। मैं भी बनाऊंगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के जो है ना ऑल पे करना है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे, वरना रॉकी भाई छोड़ेगा नहीं आपको, ये बात समझ लें बस। अच्छा तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और आई होप यू लाइक द व्लॉग और गपशप हुई। और क्या यार, और यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पूरी स्टोरी पता है, तो वो रिपीट नहीं करूँगा मैं, तो आप कर लें। वी आर बैक टू अब्दाली हॉस्टल, और अभी मैं घर चलता हूँ। और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो अभी नेक्स्ट टाइम आपको देखता हूँ ईद पर, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।